नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जो वैकेंसी निकली थी यानी कि रेली वैकेंसी जो निकली थी उसमें आपने अप्लाई किया था। आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आपका एडमिट कार्ड्स आए हैं या नहीं, और मैं आपको इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा। ऑल रीजन्स यानी कि जितने भी यानी कि चार स्टेट यानी कि छः स्टेट के आसपास रैली निकली थी उन सभी स्टेट्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी कट ऑफ क्या गई है यानी कि किन कितनी परसेंटेज पर उनके एडमिट कार्ड आए हैं यानी कि स्टेट वाइज बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको यानी कि यूपी और पटना और यानी कि कानपुर पटना और आपका देखिए एक है यानी कि पांडुचेरी और एक है आपका दिल्ली, यानी कि चार यानी कि इसमें जोन रखे गए हैं उन सारे जोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, और आपको मैं साथ ही बताऊँगा कि आपके कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आए हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं आपके पटना यानी कि जो झारखंड के कैंडिडेट ने अप्लाई किया था जो कि बिहार यानी कि बेहटा पटना में है, यानी कि जो कैंडिडेट इनका जो सेंटर की बात करें तो पटना है यानी कि आपका बेहटा पटना यानी कि जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था बिहार। अब देखिए बात कर लेते हैं, देखिए आपका पहला यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स यानी मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रखे ले जाने होंगे, यानी कि पहला जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका एडमिट कार्ड जो फर्स्ट पॉइंट रखा गया है कि आपके कलर्ड यानी कि कलर्ड आपको एडमिट कार्ड का लेके जाना है प्रिंट आउट निकलवा के, वो भी कलर्ड। अब सेकंड है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि सेकंड बी पॉइंट की बात करें यानी कि बी पॉइंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। थर्ड पॉइंट यानी सी पॉइंट की बात करें तो इसमें रखा गया है आपका सी पॉइंट रखा गया है मार्क सीट ऑफ एंड पासिंग सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट और इक्वलेंट, यानी कि अगर आपने मार्कशीट में यानी कि डिप्लोमा लगाया है तो डिप्लोमा और ट्वेल्थ क्लास लगाई है तो उसका मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा विद आपके इसका मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे, अगर मार्कशीट है तो उनको केवल मार्कशीट ले जानी होगी। अब देखिए बात कर लेते हैं थर्ड पे यानी कि चौथा जो पॉइंट है, चौथे में आपको ले जानी होगी पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक यानी कि टेंथ लेवल में आपको जो यानी कि मार्कशीट और ट्वेल्थ यानी कि मिलती है वो आपको लेके जानी होगी, पासिंग सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी दोनों अगर अलग अलग हैं तो, अगर एक ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक ही जो आपकी मार्कशीट है वही लेके जानी होगी। अब देखिए बात कर लेते हैं यानी कि ई पॉइंट यानी कि पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका वैलिड आईडी फोटो यानी कि फोटो आपको ले जानी होगी आईडी, जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा मैंडेटरी वही रहता है। और जो एफ यानी एफ पॉइंट इसमें रखा गया है, एफ पॉइंट रखा गया है आप में ये वाला कि इसमें रखा गया एन सी सी या SOFP यानी कि आप सर्विस सर्टिफिकेट या फिर एप्लीकेशन जो भी आपने एप्लीकेशन में फिल किया हो यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो भी आपका अदर सर्टिफिकेट हो, जो भी आपने फिल किया हो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी आपने फिल किया हो NCC सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपको उसको लेके जाना होगा उसके साथ में। देखिए बस इतना था आपको लेके जाना है, और देखिए COVID-19 वगैरह जो भी कुछ है आपको ये तो करा के ले जाना होगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे क्या क्या लेके जाना होगा, मैंने आपको एक यानी कि मोटा मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ केवल आपको। अब देखिए बात कर लेते हैं, देखिए आपके यानी कि बिहार पटना की बात करें तो देखिए इसमें यानी कि सबसे पहला जो कैंडिडेट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो कैंडिडेट है वो ये है इनका नाम, और देखिए इनकी यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी डिस्ट्रिक्ट है बोकारो यानी कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। और देखिए एक्स ग्रुप के लिए रखे गए हैं यानी कि एक्स ग्रुप आप देख सकते हैं बिहार में, क्योंकि एक्स ग्रुप के लिए ट्रेड निकली थी तो एक्स ग्रुप का ही होगा। और इनकी परसेंटेज की बात करें तो देखिए इन्होंने ये तो पता नहीं कि डिप्लोमा में या ट्वेल्थ में, इनकी परसेंटेज की बात करें तो 89 रखी गई है। और इनके देखिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम देखिए आप देख सकते हैं ये वाला रिपोर्टिंग टाइम इनका यानी 10th ऑफ दिसंबर यानी कि 2020 रखा गया है 10th ऑफ दिसंबर 2020। तो आप देख सकते हैं देखिए आज इसमें देखिए लास्टली में मैंने लिस्ट मैंने चेक कर ली है तो देखिए मैं इसमें देखना आप देखेंगे तो आपको देखें मैं अभी सारा कुछ दिखा देता हूँ आपका कितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं और मिनिमम कितने परसेंटेज वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट था यानी कि 89 वाला। अब देखिए ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके अभी मैं ले जा रहा हूँ तो देखिए मैं पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको लास्ट पेज पे आ गया हूँ। तो देखिए बिहार पटना की बात करें तो 1773 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यानी कि 1773 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि आपकी मैं मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो देखिए 77 कैंडिडेट यानी कि परसेंटेज जिनकी बिहार पटना से है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई यानी कि हुए हैं यानी कि सिलेक्ट हुए हैं।
और देखिए यानी कि लास्ट सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि आपका जो भी एडमिट कार्ड की बात करूँ तो देखिए 77% वाले इसमें कैंडिडेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिन भी कैंडिडेट का 12th क्लास में 7% यानी कि 77% और डिप्लोमा में यानी कि किसी में भी आपका 77% बैठता है तो आपका एडमिट कार्ड जो है इशू किया गया है बिहार पटना से। मैं आपको बताऊंगा चाहूंगा कि बिहार पटना से जो भी कैंडिडेट हैं इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, देखिए आपकी की रिपोर्टिंग वगैरह जो भी आपका डेट दे रखा है उसके सामने जैसे भी आपका नाम दे रखा है, यानी कि इसमें पहले आपका नाम दे रखा है, देख सकते हैं इसमें आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद नाम दे रखा है, उसके बाद फादर्स नेम दे रखा है, और जो आपके बाद देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट दे रखा होगा, एक्स ग्रुप टेक्निकल आपको पता है कि एक्स ग्रुप में सेलेक्ट किए गए हैं, और इसमें आगे अगला जो है आपका परसेंटेज शो किया है, उसके बाद आपका शो किया गया है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम यानी कि रिपोर्टिंग जो डेट है वो शो की गई है। अब देखिए मैंने अभी आपको बता दिया मिनिमम आपके 77% बिहार पटना से एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं। अब देखिए मैं बात करूं एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे सेंड की कर दिए गए हैं, यानी कि ईमेल आईडी की आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी लगाई थी उसमें आपकी ईमेल पे सेंड कर दिए गए हैं, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट जो कि है आपका, अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट है देखिए आपका पहला सेकेंड ऊपर बात कर ले यूपी यानी कानपुर की बात कर लेते हैं, कानपुर के ऊपर बात करते हैं अभी। तो देखिए साथियों मैंने अभी आप अब मैं दिखा देता हूँ कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के बारे में दिखा देता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ सेम है जो कि पहले था वही था, और जो सर्टिफिकेट भी आपको मैंने बताया मैंडेटरी है वो यही है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेन पॉइंट क्या है तो देखिए मेन पॉइंट ये है कि यानी कि पहला जो कैंडिडेट है उसका नाम ये है, देखिए आप देख सकते हैं पिताजी का नाम ये है और इनका जो भी है यानी कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे डीओ भी है इनका ये वाला, और देखिए इनका डोमिसाइल स्टेट की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट है संत रविदास नगर है इनका, यानी कि सबसे पहले जो कैंडिडेट है और उनका एक्स ग्रुप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, और उनकी परसेंटेज की बात करें तो 100% शो किया है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं 100% श्योर यही है, 100 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अब ये गलत किया हो या कुछ भी अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग टाइम देखिए इसमें दिखाया गया है यानी कि इसका जो 10th of December दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ देखिए मेन पॉइंट जो है यानी कि कितने कैंडिडेट यूपी में सिलेक्ट किए गए हैं और कितने मिनिमम परसेंटेज पर सिलेक्ट किए गए हैं, तो देखिए मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो देखिए इसमें 91, 92, 92, तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अभी देखा था, तो देखिए अब मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि 91 से एवरेज यानी कि 91 लास्ट दिखा रहा है आप देख सकते हैं, यानी कि जिन भी कैंडिडेट की 12th क्लास में या डिप्लोमा में या फिर मतलब डिप्लोमा की बात करें दोनों में या फिर दोनों में से किसी ने एक भी यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा से भरा डिप्लोमा में या 12th में भरा 12th से, तो उनकी 91% है उनके एडमिट कार्ड इस बार इशू की गए हैं यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से कानपुर से इशू किए गए हैं। आप देख सकते हैं यानी कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो सबसे कम कैंडिडेट यूपी से सिलेक्ट किए गए हैं, सबसे कम आप देख सकते हैं 1181 यानी 1181 कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट किए गए हैं यूपी से, यानी कि बहुत ही कम कैंडिडेट, और तो आपको पता है कि आपकी वैकेंसी मतलब सबसे ज़्यादा यूपी को होनी चाहिए बल्कि, लेकिन सबसे कम वैकेंसी यूपी को दी गई है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है अदर स्टेट के मुकाबले बात देखें तो सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या यूपी में है और लेकिन सबसे कम यानी कि आपका एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं, तो ये यूपी वालों के साथ अच्छा नहीं किया गया है मेरे हिसाब से। अब देखिए अगले बात कर लेते हैं अदर स्टेट के बारे में, अगला सेकंड यानी कि थर्ड स्टेट के बारे में बात करें, अब बात कर लेते हैं भोपाल के बारे में, तो देखिए भोपाल के बारे में बात करते हैं तो भोपाल के आप देख सकते हैं यानी कि भोपाल में मध्य प्रदेश जो भी यानी कि यह हमें दिखाया गया है यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है सेंटर के बारे में, टाइम वगैरह सब कुछ सेम है आप देख सकते हैं, यानी कि टाइम और डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शो किए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए पहले नंबर ऑफ पहले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये पहला कैंडिडेट है हर्षल, इनके पिताजी का नाम ये है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और इनका भोपाल यानी कि डोमिसाइल है डोमिसाइल, और ये बाई ग्रुप में सेलेक्ट की गई है, और इनके देखिए परसेंटेज की बात करें तो 99 है, और देखिए इनका जो 10th of December 2020 को इसका रिपोर्टिंग टाइम दिखाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको बता दिया पहला कैंडिडेट यानी 99% पे सिलेक्ट किया गया, अब देखिए स्क्रॉल करता हूँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें लास्ट यहाँ पे अभी 87 दिखा रहा है, यहाँ पे अभी 87 का सबसे कम वाला आया है, अब देखिए ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ धीरे धीरे मैं और दिखाता हूँ कि लास्ट कितने परसेंटेज तक इसमें दिखाया गया है, तो देख सकते हैं आप मैंने अभी आपको दिखा दिया यानी कि लास्ट कैंडिडेट यानी कि आप देख सकते हैं 87 अगर यानी कि भोपाल यानी मध्य प्रदेश से जिनकी भी परसेंटेज 87 से ज़्यादा आई है उन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं इस बार, और देखिए इनकी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करूँ भोपाल से जो सिलेक्ट किए गए हैं 1515 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, 1515 आप देख सकते हैं
कि भोपाल से भी अच्छे खासे कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं यूपी के मुकाबले, क्योंकि यूपी में सबसे कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, 1100 कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड आपकी ईमेल यानी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपने जो भी ईमेल आईडी लगाई थी उसमें आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं, आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगला स्टेट यानी कि लास्ट स्टेट की बात करें, लास्ट जो है आपका दिल्ली, यानी दिल्ली उत्तराखंड दोनों स्टेट है इसमें। अब देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऊपर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपका वेन्यू जो है और आपका रिपोर्टिंग टाइम ये है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आप देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने होंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिए थे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले कैंडिडेट के बारे में, सबसे पहले कैंडिडेट की बात करें तो देखिए इनका ये है, ये इनका नाम ये है, उनका पिताजी का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ इनकी ये होगी, और इनका डोमिसाइल की बात करें साउथ वेस्टर्न दिल्ली, ये साउथ वेस्टर्न दिल्ली से डोमिसाइल है इनका, और एक्स ग्रुप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। परसेंटेज की बात करें तो 94 है इनकी, या तो डिप्लोमा हो सकता है या फिर 12th, कुछ भी हो सकता है। और इनका रिपोर्टिंग टाइम ये 10th December दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिमम कैंडिडेट कितने परसेंटेज पर सिलेक्ट किए हैं और कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए लास्ट की बात करते हैं, लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट पेज पे आ चुके हैं इस टाइम। तो यू यानी कि उत्तराखंड और दिल्ली से भी अच्छे खासे कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए लास्ट कैंडिडेट इसमें 1331 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं यानी दिल्ली जोन से, जिसमें कि आपका दिल्ली और उत्तराखंड के कैंडिडेट थे। अब बात करें देखिए परसेंटेज की बात करूँ तो देखिए परसेंटेज की बात करें तो 83 जिन भी कैंडिडेट के 83% बैठते हैं वो उन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इशू किया गया है। तो देख सकते हैं यूपी वालों के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी की गई है, और इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट भी अच्छे खासे हैं। तो देख सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के कारण भी, और सबसे कम और परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा, और उसमें कैंडिडेट भी सबसे कम सेलेक्ट किए गए हैं, तो ये उनके साथ गलत किया गया है मैं आपको बताऊँ। और देख सकते हैं वैकेंसी भी मतलब अदर स्टेट के मुकाबले यूपी में कम है, यानी कि यूपी से सबसे कम वैकेंसी है और सबसे कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो देख सकते हैं आप जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ गया है उनके लिए अच्छा बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं आया तो देखिए अब की वैकेंसी आ ही रही है, यानी कि कुछ दिन में हो सकता है आ जाए, आप उसका इंतजार करिए और देखिए आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, जरूर उसमें हो जाए, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, क्योंकि स्टेशन आपकी प्रिपरेशन को आपको जारी रखना है, ये नहीं कि आपको बंद कर देना निराश हो जाना, ऐसा कुछ नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, क्योंकि आपको अगर प्रिपरेशन जारी रखेंगे तो आपको क्या होगा कि अगले वाली जो अटैम्प्ट आने वाला है उसमें आपको कुछ करके दिखा देंगे। मान लो इसमें नहीं हो पाता, कोई बात नहीं भाई, हर किसी का नहीं हो पाता, तो आप अगले अटैम्प्ट के लिए देखिए। और अब एडमिट कार्ड की बात करूँ, जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो वो अपनी ईमेल आईडी पे देख सकते हैं, और उसके लिए आपके एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रखने होंगे जरूरी, उनके बारे में आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, अगर आपको कोई भी सुझाव या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथ ही इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।